सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले ऐसी दो टीवीज को जिनके बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि इनकी जो प्राइसिंग है वो मोस्टली सेम ही रहती है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मी टीवी 5X एंड नोकिया टीवी 4K विथ JBL साउंड। सो अगर आपका भी यही कन्फ्यूजन है कि इन दोनों टीवीज में से आपके लिए कौन सी बेस्ट टीवी है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, देन ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई भी जो मार्केटिंग वाले फीचर्स होते हैं उनको नहीं बताऊंगा, एंड ना ही मैं आपको किसी भी पॉइंट को ओवर एग्जैजरेट करके बताऊंगा, जो कि आजकल रिव्यूअर्स के बीच में ट्रेंड सा बन गया है। इस वीडियो में आपको वही पॉइंट्स मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट है एक बायर के लिए, एक यूज़र के लिए जानना, एंड जिनसे फ़र्क पड़ता है। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपके प्रैक्टिकल फ्रेंड सुमित के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में, जो कि कई लोगों के लिए फेयरली इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि चाहे हमारी टीवी ऑन हो या ऑफ हो, जो हमारी डिज़ाइन होती है वो हमेशा स्टैंड आउट करती है। तो सबसे पहले बात करें हम नोकिया टीवी की, तो नोकिया टीवी में हमें देखने के लिए मिलता है प्लास्टिक फ्रेम, प्लास्टिक बिल्ड विथ मेटल स्टैंड, एंड यहाँ हमें मी टीवी में मिलता है मेटल फ्रेम, प्लास्टिक बिल्ड विथ मेटल स्टैंड। वैसे तो इन दोनों ही टीवी के जो लुक्स है एंड बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार है। इन दोनों ही टीवी हमें देखने के लिए मिलते हैं स्लिम बेजल्स, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। बट यहाँ पे हम कर रहे हैं कंपैरिजन, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मी टीवी की जो लुक्स हैं वो डेफिनेटली अपनी नोकिया टीवी से थोड़ी अच्छी हैं। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप अपनी टीवी को वॉल माउंट करना चाहते हैं तो नोकिया टीवी में आपको फ्री वॉल माउंट पहले से मिलता है बॉक्स के अंदर, लेकिन वहीं अगर आप मी टीवी को वॉल माउंट करना चाहते हो तो आपको इंस्टॉलेशन टीम से 500 रुपीज़ का जो वॉल माउंट है वो अलग से परचेस करना पड़ेगा। बाकी जो इसका रिमोट है मी टीवी का, उसमें आपको बैटरीज भी नहीं मिलती है। तो यहाँ से आप इजीली कंक्लूड कर सकते हो कि अगर आप वॉल माउंट करना चाहते हो टीवी को, तो इस टीवी की जो इफेक्टिव प्राइस है वो 500 रुपीज़ बढ़ जाएगी। बाकी इन दोनों ही टीवीज में हमें 43 इंच साइज, 50 इंच साइज एंड 55 इंच साइज मिलता है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं पिक्चर क्वालिटी एंड डिस्प्ले के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी टीवी में। तो यहाँ पे हमें नोकिया टीवी में देखने के लिए मिलता है 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन विद 60Hz रिफ्रेश रेट, एंड इस नोकिया टीवी में यूज़ हुआ एक V8 डीलेट पैनल विथ माइक्रो डिमिंग। लेकिन यहाँ पे जो माइक्रो डिमिंग है उसके कितने जोन्स हैं ये नोकिया ने नहीं बताया, बट आपको एटलीस्ट किसी भी टीवी में या बोलो इस टीवी में 100 जोन्स तो देखने के लिए मिलेंगे, एंड कुछ ना होने से कुछ होना बहुत अच्छा होता है। बाकी इसकी पीक ब्राइटनेस की बात करें तो इसमें जो हमारे 43 इंच साइज का मॉडल है उसमें हमें 350 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिलती है, एंड जो हमारा 50 एंड 55 इंच का जो मॉडल्स हैं उनमें हमें देखने के लिए मिलती है 400 निट्स की ब्राइटनेस। और इन तीनों ही टीवी की जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो है 5000:1, एंड ये टीवी सपोर्ट करता है दोनों अपने मेजर HDR फॉर्मेट्स, HDR10 एंड डॉल्बी विजन बोथ। नाउ अब हम बात करते हैं मी टीवी की, तो मी टीवी में भी आपको 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन मिलता है विद 60Hz, एंड इस टीवी में आपको IPS या VA पैनल में से दोनों में से कोई भी पैनल मिल सकता है, एंड ये चॉइस आपके पास नहीं है, ये Xiaomi अपने हिसाब से भेजेगा। बट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मी टीवीज आपको मोस्टली यहाँ पे VA पैनल ही मिलेगा। बाकी इस टीवी के पैनल की हम पीक ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट लेवल की बात करें तो ये चीज़ कहीं भी Xiaomi ने मेंशन नहीं की है, और ये चीज़ें नहीं बताने वाला एक मी अकेला ब्रांड नहीं है, जो अपने LG हैं, Samsung हैं एंड जो Sony के जो मोस्टली TVs आते हैं उनमें भी आपको जो पीक ब्राइटनेस है एंड जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो ये मेंशन नहीं करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू यूजर्स आपको मी टीवी 5X में देखने के लिए मिलेगी 350 निट्स की पीक ब्राइटनेस, एंड ये टीवी भी अपना HDR10 एंड Dolby Vision कंटेंट को सपोर्ट करता है, एंड आपको यहाँ पे HDR10 प्लस का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। बट जब आपको Dolby Vision मिल रहा है तो HDR10 प्लस हो या ना हो, इससे कोई आपको डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, और ये चीज़ मैं इस टीवी के प्रोज में बिल्कुल इंक्लूड नहीं करूँगा। नाउ अब रियल लाइफ में पिक्चर क्वालिटी को कंपेयर करें तो डेफिनेटली नोकिया टीवी की जो पिक्चर क्वालिटी है वो आपको नोटिसेबली बेटर देखने के लिए मिलती है फ्रॉम मी टीवी। यहाँ नोकिया टीवी में आपको अच्छे कलर्स मिलेंगे, एंड कलर्स एंड ब्लैक्स के बीच में आपको अच्छा सेपरेशन भी मिलेगा, और बाकी जो हेलोज होते हैं एंड जो ब्लूमिंग होती है वो भी आपको नोकिया टीवी में कम देखने के लिए मिलेगी एज कम्पेयर टू मी टीवी। और ये सब पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ बेटर ब्राइटनेस एंड माइक्रो डिमिंग। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो माइक्रो डिमिंग है वो नोकिया टीवी में वो काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे मेरा ये बिल्कुल भी नहीं कहना है कि आपको मी टीवी में बेकार पिक्चर क्वालिटी देखने मिलेगी, आपको मी टीवी में एवरेज पिक्चर क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी। एंड अगर आप ऐसे यूज़र हो जो ज़्यादातर HD या HD चैनल देखते हैं सेट टॉप बॉक्स से, तो शायद आपको इन सब बातों से इतना ज़्यादा फर्क ना पड़े। लेकिन ये एक कंपैरिजन वीडियो है, इसलिए मैं इजिली कह सकता हूँ कि आपको नोटिसिबली फर्क देखने के लिए मिलेगा अपनी नोकिया टीवी एंड मी टीवी के पिक्चर क्वालिटी में। बाकी आपको इन दोनों टीवी में MEMC टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिससे होता ये है कि जो आपका लो FPS कंटेंट है
उसके बीच में टीवी अपने आप से जो अपने फ्रेम्स है वो और ऐड करने लगती है, जिससे जो आपका मोशन ब्लर है वो कम हो सके एंड ओवरऑल आपको काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने मिले। तो ये वाला जो फीचर है इन दोनों टीवी में एवरेज ही परफॉर्म करता है एंड इसमें कोई ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है। बाकी इन दोनों टीवी की अपस्केलिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो इन दोनों में आपको जो अपस्केलिंग है वो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है इस प्राइस सेगमेंट में एंड आप इससे आराम से एचडी चैनल जो होते हैं उसको काफ़ी अच्छे से अपस्केल होता हुआ देख पाओगे। और बाकी हम एचडी चैनल की बात करें तो यार ये कोई भी 4K टीवी नहीं कर सकती इतने अच्छे से अपस्केल, क्योंकि एचडी चैनल यार वैसे ही बहुत कम रेजोल्यूशन होता है एंड इसको अच्छे से 4K तक अपस्केल करना इज़ नॉट सो पॉसिबल। सो इन शॉर्ट आप कह सकते हो इनमें MEMC टेक्नोलॉजी एंड अपस्केलिंग कैपेबिलिटी दोनों में काफ़ी अच्छी दिखने के लिए मिलती है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोकिया टीवी की। तो नोकिया टीवी में हमें देखने के लिए मिलते हैं 3 HDMI पोर्ट, जिसमें से एक HDMI पोर्ट अपना HDMI 2.1 पोर्ट है एंड वो EARC को सपोर्ट करता है। लेकिन ये वाला जो HDMI 2.1 पोर्ट है वो ALLM को सपोर्ट नहीं करता है। बाकी इस टीवी हमें देखने के लिए मिलते हैं 2 USB पोर्ट, जिसमें से एक USB पोर्ट अपना USB 2.0 पोर्ट है एंड जो दूसरा USB पोर्ट है वो है 3.0। एंड इस टीवी में हमें देखने के लिए मिलता है ड्यूअल बैंड वाईफाई एंड 2-वे ब्लूटूथ। और इसके अलावा जो भी अपने बेसिक पोर्ट होते हैं किसी भी टेलीविज़न में वो सब आपको इनमें भी देखने के लिए मिलता है। बाकी हाँ मी टीवी की कनेक्टिविटी ऑप्शन की बात करें तो मी टीवी में भी आपको 3 HDMI पोर्ट देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये जो तीनों HDMI पोर्ट हैं वो तीनों के तीनों HDMI 2.1 पोर्ट हैं एंड इसमें से एक HDMI 2.1 पोर्ट यहाँ पे EARC सपोर्ट करता है एंड ALLM को भी सपोर्ट करता है। बाकी इस टीवी में हमें ब्लूटूथ 5.0 मिल जाएगा एंड हमें इसमें ड्यूअल बैंड वाईफाई भी मिलेगा। और इसके अलावा जो भी बेसिक पोर्ट्स होते हैं किसी भी टेलीविज़न में वो सारे इसमें भी प्रेजेंट हैं। सो यहाँ पे कनेक्टिविटी के ऑप्शन में नोकिया टीवी के पास USB 3.0 एंड 2-वे ब्लूटूथ एडवांटेज में है। बाकी हम यहाँ बात करें मी टीवी की तो मी टीवी के पास एडवांटेज है HDMI 2.1 पोर्ट जो कि ALLM को सपोर्ट करता है, यानी कि अगर आप काफ़ी कंसोल गेमिंग करते हो देन आपको ये ऑटो लो लेटेंसी मोड से जो आपको लेटेंसी है एंड जो इनपुट लैग है उसमें काफ़ी फर्क देखने के लिए मिलेगा। एंड इसलिए अगर आप सीरियस कंसोल गेमिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे मी टीवी के पास एक एडवांटेज है। नाउ अब आगे बढ़े एंड बात करें प्रोसेसर एंड स्टोरेज की। तो यहाँ पे हमें नोकिया टीवी में देखने के लिए मिलता है 1.1 GHz का रियल टेक का क्वाड कोर प्रोसेसर विद 700 MHz G31 GPU और इस टीवी में आपको मिलेगी 2GB रैम विद 16GB इंटरनल स्टोरेज। बाकी यहाँ पे आपको मी टीवी में मिलता है क्वाड कोर कॉर्टेक्स A55 प्रोसेसर विद माली G52MP 2GPU एंड इसमें भी आपको 2GB रैम एंड 16GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। एंड प्रोसेसर के मामले में मी टीवी में आपको थोड़ा स्लाइटली बेटर प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है एज़ कम्पेयर टू नोकिया टीवी। बाकी अगर मैं बात करूँ इससे रियल लाइफ में कितना फ़र्क पड़ेगा तो आपको इससे कोई ऐसा मेजर इंप्रूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको दोनों ही UI सेम तरीके से परफॉर्म करते हुए मिलेंगी। ना अब हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी के बारे में, जो कि हमारे पिक्चर क्वालिटी के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे आपको नोकिया टीवी में 60 वॉट की साउंड मिलती है बाय JBL विद 6 एडवांस्ड ट्यूनिंग एल्गोरिथम्स एंड आपको इसमें ट्विन स्पीकर एंड ट्विटर का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। और वहीं आपको मी टीवी में 40 वॉट के स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं इन 50 एंड 55 इंच साइज में और यहाँ पे आपको 43 इंच साइज में 30 वॉट के स्पीकर्स मिलते हैं एंड क्लियरली यहाँ पे नोकिया टीवी विनर है ऑडियो के डिपार्टमेंट में। एंड पर्टिकुलरली 43 इंच साइज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको मैसिव फर्क देखने के लिए मिलता है 60 वॉट के JBL स्पीकर से एंड एज़ कम्पेयर टू 30 वॉट के स्पीकर में जो आपको मी टीवी में मिलता है। और यहीं पे अगर हम बात करें हायर वेरिएंट की यानी कि 50 एंड 55 इंच की तो भी आपको 40 वॉट के स्पीकर में एंड 60 वॉट के स्पीकर में काफ़ी ईजिली नोटिसिबली फ़र्क देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको जो नोकिया की स्पीकर्स हैं उनमें काफ़ी अच्छा सेपरेशन देखने के लिए मिलेगा साउंड के बीच में एंड आपको वैसी डॉल्बी एटमॉस जैसी तो फीलिंग नहीं आएगी, ये तो किसी साउंड बार से भी नहीं आएगी, उसके लिए आपको प्रॉपर डॉल्बी एटमॉस वाला सेटअप चाहिए। लेकिन आपको इस प्राइस रेंज में यानी कि जो आपको प्राइस रेंज में टीवीज देखने के लिए मिल रही हैं उसमें सबसे बेस्ट ऑडियो आपको देखने के लिए मिलेगी नोकिया टीवी से। बाकी यहाँ पे मी टीवी की जो ऑडियो परफॉर्मेंस है वो 50 एंड 55 इंच साइज़ में मैं यहाँ पे इसको एवरेज ही रेट करूँगा और जो 43 इंच साइज़ में आपको जो ऑडियो परफॉर्मेंस मिलती है उसको मैं थोड़ा बिलो एवरेज रेट करूँगा। एंड इन दोनों ही टीवीज के जो स्पीकर्स हैं वो डाउन फायरिंग स्पीकर्स हैं एंड इन दोनों ही में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। नाउ यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पे हमें नोकिया टीवी में मिलता है एंड्रॉयड 11 एंड हमें यहाँ पे मी टीवी में मिलता है एंड्रॉयड 10 विद पैच बॉल
4.0 विद IMDb इंटीग्रेशन। और यहीं पे मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आपको Android 10 से Android 11 में कोई ऐसा परफॉर्मेंस या फिर बोल लो यूज़र इंटरफेस में कोई ऐसा बड़ा सा जंप देखने के लिए नहीं मिलेगा। कई लोगों को तो इसमें कुछ नोटिस भी नहीं होगा कि यार Android 10 एंड Android 11 में कुछ फ़र्क है कि नहीं है TVs के मामले में। बाकी Android 11 OS थोड़ा हैवी OS है Android 10 के मामले में, एंड इसलिए आपको नोकिया टीवी में जो आपको फ्री यूजेबल स्पेस है वो थोड़ी कम देखने के लिए मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अपनी मी टीवी। और यहाँ पे मैं आपके लिए एक और बात बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि इन दोनों ही टीवीज़ में आपको OS से कोई ऐसी शिकायत देखने के लिए नहीं मिलेगी। दोनों टीवी के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिमिलर ही परफॉर्म करेंगे, एंड एक एवरेज यूज़र को अपनी टीवी में कंटेंट देखना है ना कि बग्स पकड़ना है। बट जिन लोगों को पैचवॉल ज़्यादा अच्छा लगता है उसकी रिकमेंडेशन एंड UI ज़्यादा अच्छी लगती है, तो डेफिनेटली मी टीवी में आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। बाकी इन दोनों ही टीवीज़ में आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, एंड दोनों ही टीवी में आपको बिल्ट इन क्रोमकास्ट मिलेगा। एंड इस टीवी से आप इजीली जो अपनी कास्टिंग है अपने लैपटॉप की या फिर स्मार्टफोन की वो इजीली कर सकते हो। एंड आगे बढ़ते हुए यहीं मैं आपको मी टीवी के कुछ यूनिक फीचर्स बताऊँ जो कि रियली में यूनिक है एंड आप इनको अंडररेट नहीं कर सकते। सो फर्स्ट, इस टीवी में आपको फार फील्ड माइक्रोफोन मिलते हैं विद डेडिकेटेड ऑन एंड ऑफ बटन फॉर प्राइवेसी कंसर्न, एंड इन फार फील्ड माइक की वजह से आप हैंड फ्री गूगल असिस्टेंट को यूज़ कर पाओगे जो कि नो डाउट एक कन्वीनियंट फीचर है, एंड इसके थ्रू आप सभी काम कर पाओगे जो भी आप अपने एक टीवी के गूगल असिस्टेंट से करवाना चाहते हो, चाहे फिर वो अपने चैनल को चेंज करना हो या फिर आपके घर के IoT प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करना हो। एंड सेकेंड थिंग, इस टीवी में आपको देखने के लिए मिलती है एडेप्टिव ब्राइटनेस जिसके मदद से ये आपके रूम की जो एम्बिएंट लाइटिंग है उसको अपने आप सेंस करके अपनी टीवी की जो ब्राइटनेस है उसको कम या ज़्यादा करेगा, जिससे आपको एक काफ़ी कन्वीनियंस फीचर मिल सके एंड आपको जो पिक्चर क्वालिटी है आपके रूम की एम्बिएंट लाइट के हिसाब से सही मिले, एंड दिस फीचर्स वर्क एब्सोल्युटली फाइन। एंड ये जो फीचर्स हैं वो थोड़े अंडररेटेड हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फीचर्स हैं वो और भी टीवीज़ में आना चाहिए, एंड स्पेशली ये जो प्रीमियम सेगमेंट के टीवीज़ आते हैं उनमें तो ये वाले फीचर्स ज़रूर इंक्लूड होने चाहिए। बाकी यहाँ वारंटी की बात करें तो आपको एक नोकिया टीवी में 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है, एंड आपको मी टीवी में 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है विद एक्स्ट्रा 1 ईयर की वारंटी ऑन पैनल। और यहीं पे मैं थोड़ा आफ्टर सेल सर्विस की बात कर लूँ तो चाहे फिर वो अपना नोकिया हो, मी हो या फिर कोई भी अदर बजट ब्रांड हो, तो इनकी जो आफ्टर सेल सर्विस होती है ये खुद प्रोवाइड नहीं कराते। बेसिकली इनकी टाइप्स होती है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। सो आप सिंपली नहीं कह सकते कि अगर आपके एरिया में सर्विस है वो अच्छी है वो ए क्लास है तो दूसरे के यहाँ पे भी ए क्लास होगी। ये चीज़ें आपको अपने हिसाब से पता करना पड़ेगा, और ये चीज़ मैं आपको हर वीडियो में कहता हुआ आ रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊँ तो वो है पैनासोनिक। पैनासोनिक इतना बड़ा ब्रांड है लेकिन फिर भी हमारे एरिया में उसकी सर्विस बेकार है ना। अब हम फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की, बट उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली यार आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, और अगर आप इस चैनल को फर्दर फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में इन टीवी की लिंक देखने के लिए मिल जाएगी, एंड अगर आप उस लिंक से कुछ भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो आपके प्राइस को बिल्कुल भी चेंज करे हुए इस चैनल की काफ़ी ज़्यादा मदद होगी ना। अब हम अपने पॉइंट पर वापस आते हैं। सो अगर आपको बेस्ट पिक्चर क्वालिटी चाहिए विथ बेस्ट ऑडियो, एंड आप नहीं चाहते कि अपनी टीवी के साथ एक एक्सटर्नल साउंड बार लगाना या फिर कोई भी एक्सटर्नल साउंड सिस्टम लगाना, देन आपके लिए सिंपल क्लियर चॉइस रहेगी नोकिया टीवी ओवर मी टीवी। एंड अगर हम मी टीवी की बात करें तो अगर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है पैच वॉल, ऑटो लो लेटेंसी मोड फॉर कंसोल गेमिंग, फार फील्ड माइक्रोफोन फॉर हैंड्स फ्री गूगल असिस्टेंट, 1 ईयर की एक्स्ट्रा वारंटी ऑन पैनल, एंड स्लाइटली बेटर CPU एंड GPU, एंड अगर आपको नॉर्मली सेट टॉप बॉक्स वाले SD या HD चैनल देखने तो देन ओनली आपके लिए यहाँ पे मी टीवी है। बाकी हर डिपार्टमेंट में यानी कि जो तो मेजर डिपार्टमेंट होते हैं अपने साउंड एंड पिक्चर क्वालिटी उसमें यहाँ पे नोकिया टीवी ही विनर है। एंड डेफिनेटली आपको इन टीवीज के अलावा कई और अच्छे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे आपके बजट्स के अकॉर्डिंगली, एंड दैट्स वाई मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छी टीवी की लिंक्स आपको दी है, तो अगर आप चाहो तो उनको भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी इनकी जो प्राइसिंग है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई दी थी, और यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस फॉर्मेट में पूछ सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।